जय हिंद दोस्तों, फनी एक्सीडेंट सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि रेत में गाड़ी चलाना जैसे कि गर्लफ्रेंड और उसके मामा को एक ही साथ ओयो ले जाना। अब इस बंदे को जल्दी पता चल गया कि रेत में गाड़ी चलाना जैसे कि पिछवाड़े में खील घुसा लेना। बंदे के पीछे कुत्ता, कुत्ते के आगे बंदा और बंदा सीधे बाउंड्री से बाहर। अगर यहाँ पर बंदा रुक जाता तो कुत्ते के सारे दांत बंदे के पिछवाड़े के अंदर होते। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि इस बंदे का पिछवाड़ा सही सलामत बचा होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुछ लोग मिलकर ट्रक के मदद से ट्रैक्टर को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि ट्रक में इतना पावर था कि वो ट्रक ट्रैक्टर की फाड़ देगा। दोस्तों शायद यही होगा 2022 का सबसे चालाक लौंडा, जहां पर इसकी गाड़ी को एक ट्रैफिक पुलिस वाला उठा कर ले जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर ये लौंडा दौड़ के आकर उसकी गाड़ी को आसानी से छुड़ा कर वहीं से निकाल लेता है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी 2022 में पूरी तरह से भर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ बंदर लोग ऐसा काम कर रहे थे जिसके कारण ये ट्रक इस साल में क्या अगले 10 साल तक शायद ही भर पाएगा। तो चलिए दोस्तों कमेंट करके बताना कि इन जैसे लोगों के हाथ में काम को देना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों लगता है कि शायद यहाँ पर एक कार मालिक के अत्याचार से तंग होकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर लोगों ने सही समय पर आकर इसकी जान बचा ली। ट्रक में जा रही इस रोड बनाने वाले मशीन को देखिए, लगता है कि आज इसको काम पर जाने का मूड ही नहीं था और जैसे ही मौका मिला तो ट्रक से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगी। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस बस को एसी की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों कमेंट करके बताना कि इस बस के अंदर जाने की हिम्मत और चाहत किसके अंदर है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये बाइक वाला अपने बाइक को 360 डिग्री घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी कोशिश फेल हो गई और उसकी ये बेवकूफी वहीं पर लगी हुई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद इसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस एक्सीडेंट के बाद इसके पिछवाड़ा कल सुबह काम करने के लायक बचा होगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक एक्सीडेंट हुए ट्रक को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी यही कोशिश आगे जाकर इनके पिछवाड़े में और ज्यादा दर्द करेगा। दोस्तों इस कार को कौन चला रहा था पता नहीं, लेकिन उसकी बेवकूफी के चलते कार के साथ साथ वहां पर कंपाउंड की भी वाट लग गई। अब चलिए आप में से कितने सारे लड़के हैं जो ये कहते हैं कि इस कार को पापा की परी चला रही थी, और कितने पापा के परी हैं जो कहते हैं कि इस कार को बेवकूफ माँ की मगरमच्छ चला रही थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर जीत हमारे माँ के मगरमच्छों की होती है या फिर पापा की परियों की। तो चलिए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों आज के इस फनी एक्सीडेंट सीरीज में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली बार एक और नए ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।